हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं और पेटीएम में आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, जिसे पेटीएम पेमेंट बैंक भी कहते हैं या पेटीएम बैंक कहते हैं, तो उसमें जब भी आपको पैसे मंगाने होते हैं किसी से भी, तो उसमें आपको अपना पेटीएम अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड देना होता है। तो कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो ये पेटीएम में कैसे चेक करें, कहाँ से ढूंढें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने पेटीएम में अपने पेटीएम का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें हमें सबसे पहले ये पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये ओपन कर ली हमने एप्लीकेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम बैंक के अंदर जाना है। पेटीएम बैंक ये पासकोड मांगेगा, जब आप इसे बनाते हैं तो उस टाइम ये पासकोड मांगता है, वही पासकोड मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती हैं, आपका डेबिट कार्ड आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये आपको जो इमेज दिख रही है, जो आपकी ये प्रोफाइल पिक्चर है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेटीएम बैंक अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पे ये आईएफएससी कोड आ गया आपका, जो आपको किसी को भी अगर आपको इसमें पैसे मंगाने हैं पेटीएम बैंक में अपने, तो आपको ये दोनों चीज़ें उसे देनी पड़ेंगी और उसके बाद वो आपको पैसे इसमें इजीली ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बहुत इजी स्टेप है, कुछ नहीं करना है इसमें। पेटीएम बैंक ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेटीएम में अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।